हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलजी के 29 इंच वाइड स्क्रीन मॉनिटर के बारे में। मैं इस मॉनिटर को पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूं, तो ये आज का एक काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। इस मॉनिटर के बारे में पूरा ए टू जेड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो शुरुआत करते हैं कि इसके बॉक्स में पहले आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। आपको मिलता है मॉनिटर, एक पावर ब्रिक, एक HDMI केबल, एक डिस्प्ले पोर्ट की केबल, ड्राइवर्स वाली CD मिलती है और आपको इस मॉनिटर का स्टैंड भी देखने को मिलता है। अब अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन में यहाँ पर आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे। ये जब ऑफ रहता है तब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें बेजल्स है कि नहीं है, लेकिन जब ये ऑन हो जाता है तब आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे 1/2 इंच के बेजल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लुक वाइज इट लुक्स प्रीमियम, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे टच करोगे तो इट फील्स लाइक कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। प्लास्टिक में इतना प्रीमियम फील नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन अगेन इट्स अ मॉनिटर, ये आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है कि आपको टच करने पे भी एकदम प्रीमियम फील आनी चाहिए। आपके घर पे आके कोई आपके मॉनिटर को ऐसे टच करके नहीं देखेगा कि यार ये प्रीमियम नहीं लग रहा है, क्या चीज़ है। डिज़ाइन वाइज मुझे इस मॉनिटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट्स की बात करूँ तो पीछे आप लोगों को एक HDMI पोर्ट मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट मिलता है जो कि 75Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है और आउटपुट के लिए 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलता है। वेट की बात करूँ तो इसका 5 kg वेट है विदाउट स्टैंड और यहाँ पर ये वॉल माउंट भी हो जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 29 इंच का वाइड स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक IPS पैनल है। इसके ब्राइटनेस 250 nits के अराउंड है। sRGB कवरेज 99% है, Adobe RGB 87.1% है और DCI P3 83.6% है। ऑल इन ऑल बताऊं तो इसका कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको इस मॉनिटर के ऊपर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा है 1000:1 का, जो कि काफ़ी अच्छा है मॉनिटर के लिए। और यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स भी इसके अच्छे हैं, मैट फिनिश है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं और यहाँ पर PWM फ्लिकर्स भी मुझे नहीं देखने को मिले हैं। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। स्पीकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 10 वॉट के इंटरनल स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं एक मॉनिटर के हिसाब से। जो आपके लैपटॉप में स्पीकर्स आते हैं उससे काफ़ी अच्छा लाउड साउंड करेंगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एक्सटर्नल स्पीकर को रिप्लेस कर देंगे, आप जो मार्केट से 1000-1500 वाले स्पीकर्स होंगे वो इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक मॉनिटर के हिसाब से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर ये काम चला देंगे आपके लिए, आप यहाँ पर आराम से अपने डे टू डे टास्क कर सकते हैं। अगर मैं इसके टाइप सी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो मैंने बहुत सारे मॉनिटर्स देखे थे जिसमें टाइप सी कनेक्टिविटी इश्यूज आते थे एंड बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये वाला मॉनिटर परचेस किया था क्योंकि मुझे टाइप सी कनेक्टिविटी चाहिए थी। तो टाइप सी इसमें वर्क करती है, आप एक ही केबल के थ्रू अपने मैकबुक को या फिर किसी भी टाइप सी कंपैटिबल लैपटॉप को कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती है बॉक्स में, आपको उसे अलग से परचेस करना पड़ेगा और किसी भी टाइप सी केबल से नहीं चलेगा, थंडरबोल्ट का सपोर्ट होना चाहिए उसमें तभी वो इस मॉनिटर पे चलेगा। आपका जो नॉर्मल चार्जिंग वाले चार्जिंग ब्रिक्स आती है आपके मोबाइल की, उस वाली केबल से ये वाला मॉनिटर नहीं चलेगा। OSD की बात करूँ तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा नीचे इन्होंने ऑप्शन देके रखा है, यहाँ पे नीचे एक जॉयस्टिक देके रखी है, इसके थ्रू आप लोग इस मॉनिटर को ऑफ कर सकते हैं, इनपुट डिसाइड कर सकते हैं, मेन्यू में जा सकते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे क्लीन इंटरफेस है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा बटन्स नहीं दिए, साइड में बटन्स नहीं है, इधर बटन्स नहीं है, एक नीचे एक जॉयस्टिक का इंटरफेस देके रखा है जहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। गेम मोड में जाना है, फ्री सिंक ऑन करना है, रिस्पांस टाइम वगैरह सारी सेटिंग्स आप लोग इसी नीचे दिए गए एक बटन से जॉयस्टिक के थ्रू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को एक CD मिलती है जिसमें इस मॉनिटर के लिए ड्राइवर्स हैं, आप लोग उसे ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप लोग इस मॉनिटर को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आपको अपने मॉनिटर को डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, कैसे सेटअप करना है अपने मॉनिटर को, तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एसेसरीज की बात करो जो मैंने इस मॉनिटर में ली है वो सबसे पहला है, पीछे मैंने लगा के रखी है LED लाइट्स, नीचे मैंने स्टैंड के लिए यूज़ किया है Amazon Basics का मॉनिटर स्टैंड। उसके बाद यहाँ पर आप लोग वेसा माउंट का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को इसे माउंट करना है, टेबल के ऊपर माउंट करना है या फिर कहीं दीवार पे माउंट करना है, तो आप लोग एक माउंट स्टैंड अलग से परचेस कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक USB-C केबल जो कि थंडरबोल्ट सपोर्ट करती है, जो कि मेरे मैकबुक के साथ कनेक्ट हो जाती है।
और मैंने यहाँ पे साइड में हेडफोन होल्डर भी लगा के रखा है जहाँ पर मैं अपने हेडफोन्स को हैंग कर देता हूँ, और कुछ वायर्स रहती है तो उनको भी मैं वहीं पर ही हैंग कर देता हूँ। तो ये सारी एसेसरीज़ मैंने ली है और ये सारी एसेसरीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। इन सारी एसेसरीज़ के अगेन लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके यूजेस की, किस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर काफ़ी अच्छा मॉनिटर होने वाला है ये आप लोगों के लिए। जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो रन करता हूँ तो मेरे मेन लैपटॉप पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो चलता रहता है, एंड इस स्क्रीन में मैं यहाँ पे दो स्क्रीन में इसे डिवाइड कर देता हूँ और एक जगह पे मेरा स्टैक ओवरफ्लो चलता रहता है, तो उस टाइप से मेरी यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है। और अगर आप लोग कुछ चीज़ें सीख रहे हो, जैसे जब मैंने iOS सीखा था तो मैंने इस मॉनिटर के ऊपर मैं यहाँ पे कोर्सेस प्ले कर देता था, यहाँ पे मेरे वीडियोज चलते रहते थे और मैं अपने लैपटॉप पे वो चीज़ें कोड करता रहता था। तो प्रोग्रामिंग में ये मॉनिटर डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्टिविटी टास्क के ऊपर। अगर आप लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो फिर ये मॉनिटर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर जब भी मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, वीडियोस के लिए कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, तो फिर मैं इस मॉनिटर का यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा रिसर्च वर्क यहाँ पे काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप लोग मल्टी विंडोज़ का सेटअप कर सकते हैं, चार विंडो भी सेटअप कर सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा। सीसीटीवी अगर आप लोग के घर पे है तो सीसीटीवी के लिए आप लोग इस मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग की बात करूँ तो ये मॉनिटर आप लोगों को कलर कैलिब्रेटेड मिलता है फैक्ट्री से ही, तो एडिटिंग के लिए ये एक अच्छा मॉनिटर होने वाला है। इसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी है और आप लोगों को एक वाइड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि अगर आप लोग किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, स्पेशली वीडियो एडिटिंग के टाइम पर, जैसे कि फाइनल कट प्रो या फिर एडोबी प्रीमियर प्रो, तो फिर उसमें आपको एक अच्छा रियल एस्टेट मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर अपने वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। मैं पर्सनली नहीं यूज़ करता हूँ इसका एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास मैकबुक है जिसकी कलर एक्यूरेसी उससे ज़्यादा है, तो मैं मैकबुक में एडिट करता हूँ। दूसरा, मुझे ज़्यादा रियल एस्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे माउस में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल का बटन है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रोल की आदत है, तो मुझे मेरे लैपटॉप में ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मैं काम कर पाता हूँ। दैट बीइंग सेड, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रियल एस्टेट मिलता है उसको एंजॉय करेंगे एडिटिंग के टाइम पर। अब बात करते हैं गेमिंग की। मैंने इस मॉनिटर पे ज़्यादा गेमिंग नहीं करी है, लेकिन रिसेंटली मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका रिव्यू बनाना था, तो मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली इस मॉनिटर के ऊपर कुछ गेम्स रन करके देखे थे, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस मिली। यहाँ पर आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है अगर आप लोग डिस्प्ले पोर्ट का यूज़ करते हैं तो। रिस्पॉन्स टाइम 1 ms का है और फ्री सिंक भी मिलता है, जो कि AMD कार्ड्स के लिए रहता है, लेकिन आजकल NVIDIA कार्ड्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट बेसिकली प्रिवेंट स्क्रीन टियरिंग, ताकि आपका गेम मॉनिटर और GPU सब सेम फ्रेम रेट्स पर चले। और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा था, मुझे यहाँ पे कुछ घोस्टिंग नहीं मिली। और मैंने यहाँ पे जब PUBG रन करके देखा तो मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी। अगेन कलर अच्छा है, पूरा वाइड स्क्रीन में मैं इसे प्ले कर पाया था PUBG PC को। मैंने यहाँ पे PUBG इम्यूलेटर भी रन करके देखा, मैं उसे वाइड स्क्रीन पे रन नहीं कर पाया, फिर भी मैंने उसे इस मॉनिटर के ऊपर ज़्यादा एंजॉय किया, PUBG PC को भी एंजॉय किया। अब वाइड स्क्रीन में आप लोग यहाँ पर PUBG PC का यूज़ कर सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी का यूज़ कर सकते हैं, GTA 5 वाइड स्क्रीन में चल जाता है। सारे गेम्स वाइड स्क्रीन रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कुछ गेम्स में यहाँ पे ब्लैक बार आ सकते हैं। और आप लोग चाहें तो इसे स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों के लैपटॉप में आपका गेम चल रहा है, देन आप लोगों ने साइड में चैट्स लगा दिए कि किस किस की चैट्स आ रही हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर इसी मॉनिटर में, जैसे कि मैंने कहा कुछ गेम्स में ब्लैक बार्स आते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी 1/3 स्क्रीन में अपना गेम कर दिया और जो बाकी की बची हुई स्क्रीन है वहां पर आप लोग चैट्स डाल दिए आपने, तो इस टाइप से यहाँ पे आप लोग स्ट्रीमिंग भी इजीली कर सकते हैं इस मॉनिटर के ऊपर। अगर मैं मूवीज की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा इसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी है, और क्योंकि ये कि वाइड स्क्रीन मॉनिटर है तो इसमें मूवीज जब आप लोग प्ले करेंगे तो ब्लैक बार्स नहीं आते हैं, आप लोग एक अच्छे फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस में यहाँ पे मूवीज को एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी ब्लैक बार्स के ऊपर नीचे या साइड में। ये एक 21:9 डिस्प्ले है और इसमें मूवीज देखना आप लोग सही में एंजॉय करोगे। मूवीज आर फन टू वॉच ऑन दिस स्क्रीन। और अगर आप लोग YouTube वीडियोस प्ले करेंगे तो YouTube वीडियोस में यहाँ पे ब्लैक बार्स आएंगे। और अगर आप लोग इस मॉनिटर को गेमिंग और मूवीज के लिए लेने वाले हो तो एक एक्सटर्नल हेडफोन या स्पीकर्स ले लेना, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फायर टीवी स्टिक भी मैं इस मॉनिटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये एक अगेन एडवांटेज हो गया है। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आता है 29 इंच का वाइड स्क्रीन मॉनिटर। इसका 25 इंच वाला भी वेरिएंट आता है, लेकिन उसे मत लेना। जब मैंने ये वाला मॉनिटर लिया था तो मुझे पड़ा था 23,000 का। अभी इसकी प्राइस 17,000 to 20,000 के बीच में पड़ती है, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा मॉनिटर लगा है।
अब अगर मैं इसकी बॉटम लाइन पे जाऊं, उससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स एक बार आपको सम अप करके बता देता हूं। तो अब अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं तो जो इसका सबसे पहला प्रो है वो इसकी कलर एक्यूरेसी, फिर इसमें यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, अच्छा सॉफ्टवेयर कंट्रोल है, ऑडियो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी के लिए काफी अच्छा मॉनिटर है, मल्टी मॉनिटर इसमें आप लोग सेटअप कर सकते हैं, मूवीज के लिए 21:9 का रेशियो काफी अच्छा है, गेमिंग में आपको 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फ्री सिंक अवेलेबल है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है और ये काफी रिलायबल भी है क्योंकि मैं इसे पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूं। कॉन्स की बात करूं तो जो इसका सबसे पहला कॉन मुझे लगा है वो है इसकी USB-C का पावर आउटपुट, वो है 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर पे, तो उसकी वजह से मेरी मैकबुक इससे कनेक्ट हो जाती है लेकिन इससे चार्ज नहीं हो सकती है, हालांकि जो उसकी बैटरी ड्रेन होगी वो थोड़ी कम स्पीड पे होगी। सेकंड ड्रॉबैक अगेन USB-C से लेकर के है कि यहाँ पर आपको उसकी केबल नहीं मिलती है जो कि आपको सेपरेटली मार्केट से बाय करनी पड़ेगी, जो 1000 से 2000 के बीच में आप लोगों को मिल सकती है। थंडरबोल्ट 3 की इसमें केबल लगेगी Type-C to Type-C। तीसरा है कि जो इसका स्टैंड है यहाँ पर इसमें हाइट एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसकी वजह से आप लोग यहाँ तो इसको माउंट कर सकते हो, वैसा माउंट का यूज कर सकते हो, या फिर नीचे जैसे मैंने स्टैंड यूज किया है अपने मॉनिटर के लिए आप लोग उसके लिए भी स्टैंड यूज कर सकते हो हाइट एडजस्टमेंट के लिए। चौथा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बेजल से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि इसके बेजल थोड़े ज्यादा हैं, अराउंड 1/2 inch के होंगे, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। तो अब अगर इसकी मैं बॉटम लाइन की बात करूं तो अगर आप लोग एक वाइड स्क्रीन मॉनिटर देख रहे हो जो कि एक ऑलराउंड मॉनिटर रहे, जो कि आपके प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर पाए, आपको गेमिंग में हेल्प कर पाए, आपके वीडियो एडिटिंग में हेल्प कर पाए, मूवीज भी देख सके, तो दिस इज द मॉनिटर दैट यू शुड गो फॉर। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ गेमिंग करनी है तो फिर आप लोग इस मॉनिटर को मत लेना, क्योंकि इसमें 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो बेटर यह रहेगा कि आप लोग 144 हर्ट्ज़ तक के रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर के साथ में जाओ, उसमें ज्यादा आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सेकंड, मैं तब इस मॉनिटर को रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपका पीसी ज्यादा पावरफुल नहीं है, अगर आपका ग्राफिक कार्ड और अगर आपका पीसी पावरफुल है तो ही इस मॉनिटर को लेना, ताकि आप इसका पूरी तरीके से यूज कर पाओ। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड कोई 1050 वाला लगा हुआ है तो फिर इसमें मजा नहीं आएगी, एटलीस्ट 1060 या फिर 1650 वाले ग्राफिक कार्ड लो तो फिर इस मॉनिटर का आप लोग पूरे अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, अगर आपको गेमिंग करनी है तो। वीडियो एडिटिंग के लिए भी 1060 तो बनता है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी 1060 एटलीस्ट लो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, नीचे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मॉनिटर और एसेसरीज के लिए। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।